हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको रूपी सिंबल को टाइप करना है अपने कीबोर्ड से। तो रूपी सिंबल को टाइप करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करना होगा। वो सेटिंग आपकी होगी अपने कंट्रोल पैनल में, लैंग्वेज में जाने के बाद आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको अपने लैपटॉप में कंट्रोल पैनल में जाना होगा। कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ऐड लैंग्वेज, ठीक है, ऐड लैंग्वेज कर देना है। जैसे आप ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने ऐड लैंग्वेज का आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश जो है यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे कि इंग्लिश आ चुका है, तो इंग्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। डबल क्लिक कर दोगे आप तो इंग्लिश में भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बिलेस काफी सारे पूछ रहे, तो आपको इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करना है। ठीक है, इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐड करना है और इसको हम लोग अभी ऐड करने के बाद इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसको ऐड कर चुका हूँ। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, या फिर आप जो है अपने विंडोज की दबा के जो है डायरेक्टली लैंग्वेज जो है यहाँ पे रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग में डायरेक्टली आप जा सकते हो। ठीक है, आपको रीजन एंड लैंग्वेज सेटिंग इसको क्लिक करोगे तो फिर से वही सेटिंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप जो है ऐड लैंग्वेज कर सकते हो। ठीक है, ऐड लैंग्वेज करने के बाद यहाँ पे आपको इंग्लिश टाइप करना होगा। इंग्लिश आप जैसे टाइप करोगे तो इंग्लिश में भी आपको इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लें, दैट्स इट। जैसे आप ये सेटिंग पूरी कर लोगे तो आपको जो है यहाँ पे जहाँ पे आपका डेट और टाइम दिखता है उसके जस्ट बगल में आपको दिख जाएगा इस तरीके से ऑप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ हिंदी सिलेक्ट कर चुका हूँ, हिंदी इंडिक हिंदी इनपुट यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ अभी आपके सामने इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस कर देना है 20B9 के साथ में आपको अल्टर एक्स दबा देना है। ठीक है, इस तरीके से 20B9 अल्टर एक्स। ठीक है, इस तरीके से 20B9 अल्टर एक्स इस तरीके से आप जो है रूपी सिंबल को ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको इससे भी शॉर्ट कट में अगर और लिखना है तो आप अल्टर का यूज करके अपने कीबोर्ड में 8377 अगर टाइप करते हो तब भी आपका जो रूपी सिंबल वो आ जाएगा। ठीक है, अल्टर के साथ में 8377 जस्ट सिंपल अल्टर को छोड़ दोगे तो वो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अल्टर 8377 तो इस तरीके से आपका रूपी सिंबल आ जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी सेटिंग। इसके अलावा अगर आप अगर एक्सेल में काम करते हो तो एक्सेल में भी पहले यहाँ पे डॉलर का साइन आता था। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो कॉलम को अगर आप यहाँ पे अगर करेंसी में इसको तब्दील कर देते हो और यहाँ पे अगर आप कुछ डेटा लिखते हो, मान लेते अगर 20 रुपए लिखना चाहता हो तो 20 जैसे ही आप लिख दोगे तो आप नीचे का क्लिक कर दोगे तो ये अपने आप ही सिंबल यहाँ पे ले लेगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अपने आप सिंबल ले चुका है, जबकि पहले वो डॉलर का साइन लेता था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।